आपका नाम और आपका भी पेपर देगा, कैसा पेपर? मेरा नाम अनुप्रिया राय है और अभी जो पेपर था एथिक्स का वो बहुत ही अजीब था, बहुत अजीब था। हाँ बहुत अजीब। अजीब मीन्स मतलब कि हद से ज्यादा लेंदी था। पहले जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे एक एक लाइन का क्वेश्चन नहीं दिया है, उसमें वो पूरा मतलब पैसेज उसमें भी दे दिया है मोर ऑर लेस, लाइक 3-4 लाइन का तो वहाँ पर ही क्वेश्चन है, तो उसमें आइडेंटिफाई करो पॉइंट क्या। इतना लेंदी था कि मोस्ट ऑफ द पीपल का छूट गया, मेरा भी बेयरली खत्म हुआ है और कुछ भी बस हम लिख दिया है। हाँ तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि छूट गए? किए तो अटेम्प्ट, पर इतना गंदा लिखे हैं कि फेल भी हो जाए तो भी हम मान लेंगे कि ठीक है। बहुत चेंज है, पहले एक एक लाइन का क्वेश्चन देता था वो 10 नंबर में, हम लोग को पैसेज दे दिए फर्स्ट वाले में भी, ढूंढो और बताओ कि क्या है, नहीं अच्छा लगा मेरे को। मैम देखा जाए जीएस अभी 3 का इसके पहले पेपर था, तो कैसा पेपर रहा, उसमें क्या आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें भी आपने छोड़ दिए? हाँ जीएस पेपर 3 जो था वो अच्छा था, वो इजी था, ठीक है, उसमें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें नहीं छोड़े, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था बट बाकी सारा ठीक था। आपको मीडियम और मैम ऑप्शनल इंग्लिश, इंग्लिश है और ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। अटेम्प्ट मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मैम जैसे कि आपने तैयारी जो अभी पेपर दिया तो कितने दिनों में तैयार करके? May 21 में शुरू किया था तो अप्रोक्सीमेटली एक साल। हाँ तो मैम जैसे अभी आप पेपर देके आए हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें था जैसे कि आपने अजीब था, कि कितने क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि हमने तो देखे नहीं है पढ़े ही नहीं? हाँ जैसे वो क्वेश्चन मतलब कि जीएस जो भी अभी 4 उसमें तो खैर कोई भी ऐसे कह नहीं सकते कि पढ़े नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कोई कुछ भी पढ़ा होता है तो सब में ऐसे बस कुछ भी लिख देना होता है। एनीवे जीएस 3 में बोलो एक सवाल था वियर्ड सा, जैसे कि वो सेल्यूलोस वाला एक सवाल था, बाकी सारा मोर ऑर लेस ठीक ही था, बाकी सारा तो डायरेक्टली सिलेबस से लिफ्ट किया हुआ था, जीएस 3 तो काफी इजी था। जैसे मैम आपने बोला कि काफी गंदा लिख के आई हूं मैम या फिर अजीब सा पेपर था, तो क्या मैम इसके लिए आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी? किया था बट इतना कोई खास फायदा नहीं होता, यहाँ पर इसका कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अगर हम लोग मॉडल मतलब कि क्वेश्चन पेपर देखे किसी इंस्टीट्यूट का, अभी यूपीएससी का मैच करके देख ले GS4 का ही, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ मॉक टेस्ट दिया है, सारा नहीं दिया है, बहुत सारा दिया है, कोई खास फायदा नहीं हुआ, बस हम उसका वो पढ़ लिए मॉडल आंसर पढ़ ले तो चलो 2-4 कंटेंट मिल गया, हमको लगता है कंटेंट के लिए ठीक है, टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है, बस स्पीड होना चाहिए, यहाँ पर प्रेशर होता है तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कोई अच्छा आंसर नहीं लिख सकता है। तो जैसे जीएस पेपर 3 था आपने दिया तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से आपसे पूछा गया? जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी से थोड़ा ज्यादा था और मतलब मेरे को ऐसा लगा, और बाकी सब ठीक ही था। हाँ मतलब इकोनॉमिक से कम लग रहा था मेरे को, या हो सकता है ज्यादा हो, बट आंसर करते वक्त इतना पता नहीं होता क्योंकि सबको ऐसे मतलब सारा कम्बाइंड नॉलेज ही वहाँ पर यूज होता है। मैम आपने GS 1 2 3 4 सारे पेपर दे दिए तो आपने कम्बाइंड देखा जाए तो ओवरऑल आपको कितने अच्छे पेपर गए? GS 4 सबसे बेकार, GS 1 हाँ GS 4 सबसे बेकार, GS 3 सबसे अच्छा, GS 1 उसके बाद ठीक है, GS 2 केस लॉस पूछ ले डायरेक्टली तो हम लोग फैक्चुअल कंटेंट नहीं था तो बस खुद से कुछ लिख रहे हैं, बस वही है। मैम ओवरऑल देखें तो जैसे आपने कहा GS 4 गंदे का, तो आपका क्या लगा, आपको क्या लगता है आपको जो साथ वाले थे जो निकल, मतलब कि किसी का हुआ नहीं ना कंप्लीट नहीं, अगर कोई अच्छा आंसर लिख रहा है तो उसका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ और जो पेपर कंप्लीट कर रहा है उसका आंसर अच्छा नहीं है। तो मैम जैसे आप लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखते होंगे तो ऐसा पेपर कभी आया कि फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने ऐसा पेपर दिया ना? हमको लगता है बट हाँ फर्स्ट सेक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा वियर्ड था क्योंकि लंबा लंबा पैसेजेस था फर्स्ट सेक्शन में भी, तो हाँ मे बी पहले ऐसा नहीं देता था। मैम जो न्यू स्टूडेंट है जो एक साल में आप जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैच तक पहुंचना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपको क्या एडवाइस है? आई थिंक मेरा बस ये एडवाइस है कि पढ़ लो और मस्ती कर लो और कुछ भी कर लो, बस लाइक बिकॉज द पॉइंट इज कि सब कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ही होने वाला है और प्रेशर में लोग डिफरेंट परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू बिना प्रेशर के, ठीक है बस वही है। जी मैम अभी इसके बाद 2 ऑप्शनल का मैम और लैंग्वेज के पेपर बचे हैं, उनकी तैयारी आप कैसे चल रही है? ठीक ठाक है, मतलब कि ऑप्शनल का पढ़ी तो ऑब्वियसली है ठीक है, बट सारा नाम थोड़ी याद रहता है तो सारे थिंकर्स एटसेट्रा उसका नाम फिर से रटना है तो वो करना है, और लिटरेचर सॉरी लिटरेचर लैंग्वेज पेपर जो उसको मैं जैसे लैंग्वेज पे बता बस पास ही तो करना है, 75 मार्क्स तो आ ही जाएगा। मैम अभी जैसे ये ओवरऑल एग्जाम चल रहा था कितने घंटे दिन में अभी तो बस पूरे दिन पढ़ते हैं, पर पूरे दिन पढ़ता कोई एग्जैक्टली है नहीं, किताब लेके बैठता है फोन चलाता है, ठीक है अब जो भी कहें उसको। जैसे आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी ज्यादा चारों पेपर हो गए हैं तो कितना हेल्पफुल लगा आपको चारों पेपर में ऑप्शनल लेना कि हाँ जीएस में भी ओवरलैप? GS 1 में था उसमें सेक्स का सवाल पूछा था, हम लोग को ट्राइब का सवाल पूछा था और फैमिली रिलेशनशिप का सवाल पूछा था तो उसमें था, बाकी किसी में कोई खास मदद नहीं मिलता है उससे।